Yo, welcome back to my vlogs. मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया मतलब पहली बार मैंने इतने महीने बाद पहली बार यो बावा वसब चिल्लाया चिंगाड़ा देखो भाई पहली बार ही मैं टाइमिंग ने खराब किया दूसरी बार मैं उसमें वो हो गया थोड़ा यू नो कि अरे एकदम से क्या हो गया तो वो अच्छी तरह निकल रहे हैं जब कर ही रहे हैं इतने महीनों बाद तो बनता है ढंग से कर है ना बात तो सही है मजा आया अभी जस्ट यहाँ पे डैमी को जब पिक किया उससे पहले मस्त डेढ़ घंटे की मसाज पेल के आ रहा है बाबा मस्त वाली डेढ़ घंटे की मसाज मैंने मसाज ली ऑयल ऑयल हो गया पूरा चिपचिपा बाबा ने शार लिया और उसके बाद ही देखा पसीना है पसीना नहाया बाहर निकला और पसीना भाई इतनी गर्मी हो रही है एग्जेजरेट नहीं कर रहा देख लो तुम हालत You sure you're gonna waste it? Are you kidding me? You know I can't leave that. You know why? Because I'm Indian. I pay for it. I have to finish it. Yes. खाना ही पड़ेगा भैया अब ये कोने छोड़े हैं डैमी ने फाइनली बाबा का अंदर से आवारा जागा और बाबा निकल गया चाहे से कितनी ही गर्मी हो रखी है और कितनी गर्मी हो रखी है मैं क्या ही बोलूं डैमी हाउ बैड इट इज राइट नाउ भाई हम लोगों की बैंड बज गई बाइक पे आते आते इधर काफी टाइम हो गया बाबा आवारा नहीं बन रहा था एकदम डल डल सा चल रहा है मोमेंट क्योंकि गर्मी इतनी गर्मी नहीं सही जाती भाई कुछ भी दे दो और गर्मी नहीं सही जाती मुझसे तो इस वजह से बाबा बन ही नहीं रहा था आवारा बट फाइनली बाबा के आवारे ने अंदर से मुक्का मारा बोला चल निकल बहनचोद बहुत हो गया छुई मुई पंती भाई और ये पूरा मैंने जो स्वेटर टाइप का पहन रखा है ये भी मैंने बेवकूफ़ी करी इसलिए ही पहना है क्योंकि मैंने ये खरीदा था जहाँ पे जा रहे थे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए उसके लिए पर उसका मौका ही नहीं मिला पहनने का तो मैंने सोचा आज तो पहन ही लेते हैं भयंकर तो मैंने पहन लिया ठीक है कम से कम धूप से तो बच रहा हूँ क्योंकि इट्स फुल स्लीव्स बट भाई मत आओ थाईलैंड में बता रहा हूँ अभी तो मत ही आना इवन इफ इट्स हॉट बट आई एम फीलिंग हैप्पी एटलीस्ट वी केम आउट ऑफ द हाउस और ठीक है अब गर्मी है जो है पर इसका मतलब तो ना घर से बाहर ही निकलेंगे भाई हम तो बिल्कुल ही निकल रहे थे बाहर गर्मी की वजह से कोई भी नहीं निकल रहा देख रहा क्या खाली पड़ रखा है पूरा भाई लिटरली लोग मर रहे हैं लिटरली बोल रहा हूँ सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ लिटरली चार से पाँच लोगों की डेथ हो चुकी है थाईलैंड में की थाईलैंड की गर्मी की वजह से पीपल डाइड लिटरली राइट बिकॉज ऑफ थाईलैंड हीट न्यूज़ में था भाई न्यूज़ में मैं नहीं बनना चाहता वो पाँचवा आदमी नया कैफे खुला है नाम है ईए जो जो गेमिंग नर्ड्स हैं गेमिंग फैंस हैं तुम्हारे बाबा की तरह ईए का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स नहीं है ईए स्पोर्ट्स नहीं वो वाला नहीं है भाई क्या अंधेरा हो रखा है तो भैया एंट्रेंस है केवल एक कैफे के लिए क्या बकचोदी है अच्छा दिख ही नहीं रहा ऐसी क्या बकचोदी भाई कॉफी पीने के लिए क्या मार डालोगे क्या लिफ्ट के लिए वेटिंग चल रही है और मर रहे हैं गर्मी में पूरा मेल्ट हो रहा हूँ अंदर लोग भी सोचे क्या चूतिया है पूरा स्वेटर पहन के आ रहा था शीज लाइव आधे घंटे के बाद बोले कि लिफ्ट के लिए वेट नहीं कर रहे थे बटन नहीं दबाया था मैडम ने मार देता सच में इमेजिन शी ओनली हैव वन जॉब या जस्ट टू प्रेस द बटन एंड शी फॉरगेट मैं बोलूं यहाँ पिघल गए तो बटन भूल गई दबाना Literally, I feel like we reach heaven. भाई एकदम से सफ़ेद सा दिखा ना जैसे दरवाजे खुले लिफ्ट के मुझे लगा मैं स्वर्ग पहुँच गया बाबा इतनी गर्मी लिफ्ट में और वो उसने बटन दबाना लिफ्ट यू नो दैट गाय फॉरगेट टू प्रेस द बटन इन द लिफ्ट दैट्स व्हाई टेक दैट भाई ये क्या कर रहे हैं भाई स्ट्रगल चल रहा है साले इस कैफे माना सुंदर है व्यू माना कौन का है एकदम शानदार बट इतना स्ट्रगल केवल एक कैफे पे आने के लिए भाई क्राउडेड यार ऑब्वियसली इट्स फेमस राइट नाउ भाई ये लिटरली ये सारी जो बकचोदियाँ सह के आया बाबा घर से यहाँ तक गर्मी में लॉबी में जो वेट कर रहे थे उसकी गर्मी में लिफ्ट के अंदर वाली बकचोदी वाली गर्मी में इस चीज़ के लिए एक कैफे के लिए जो कि अभी तगड़ा वाला फेमस हो रखा है बिकॉज ऑफ द क्रेजी व्यू
भाई क्यू काफी लंबा है, बिल कट चुका है, मेरी लाटे पड़ी है 165 बाट की, 165 बाट हो गए तुम्हारे 350-400 रुपए की एक कॉफी है यहाँ पे। और डैमी की तो और भी महंगी हो क्योंकि वो ओट मिल्क डलवाती है उसमें, 190 बाट की डैमी की है। और आई एम नॉट एंजॉइंग एट ऑल भाई, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे कसम से, क्योंकि मैं अंदर है ना, ये बाहर से जो कूल बाबा दिख रहा है ना स्वेटर के अंदर ही उतना ही एकदम नाकूल हो रखा हूँ मैं, एकदम ऐसा टपक रहा है, ऐसी ऐसी जगहों से पसीना घूमते हुए तुम्हें पता है कहाँ पहुँच रहा है। बेचारे ने हाथ में पर्स भी ले रखा है वो बंदी, आधा लिटरली है ना मुझे 20-30 मिनट हो गए ये बंदा बेचारे उसकी फोटो ही खींचा जा रहा है लड़की की, इसकी शक्ल देखना बेचारे की, और देखो पर्स ले रखा हाथ में, क्या क्या पकड़ा, अपना मोबाइल पकड़ रखा है, उसका मोबाइल पकड़ा, आप वो बोलेगी गंदी खींचिए वापस जा खींच, और फिर वो जाएगा फिर खींचेगा, कैसे कर लेते हैं भाई लड़के यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो घंटा नहीं, एक दो बार फोटो खींच ली और अच्छी खींची जाती है इतने में, अब अच्छी नहीं खींच रही है आधे घंटे से तो शक्ल ही खराब है आपकी, फिर स्टार्ट हो, मैं बोल रहा था उसकी फोटो अभी भी अच्छी नहीं आई है लड़की की, वो बंदा अभी भी लगा हुआ है, ऐसे बॉयफ्रेंड कभी मत बनना याद रखना, कभी नहीं, स्पेशली जब तुम बाबा गैंग के मेंबर हो, ऐसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड कभी मत बनना। अब कोई कमेंट में बोलने वाला, ओ बाबा वो सपोर्टिव बॉयफ्रेंड है, गर्मी हो रही है तेल लगाने का सपोर्टिव बॉयफ्रेंड। सो डू यू थिंक इट्स गोना बी वर्थ इट, लेट्स सी, चीयर्स, जल्दी कर ले बट हाथ जल रहा है मेरा, चीयर्स, इतनी बकचोदी जो सही, इतना स्ट्रगल जो सहा, इज इट वर्थ इट। भाई लोग ये पता है, अब ऑब्वियसली मैं इस चीज़ में कमेंट नहीं कर सकता कि मैं खुद ही कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले फ़ोटो खींचता हूँ या ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है वो काम है मेरा, और यहाँ पे भाई देखो तुम एक भी कोई भी दिख रहा है तुम लोगों को जो नॉर्मल बैठा हो, सब खच 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 कर फोटो खींचने में लगे, अब मैं क्या कंप्लेंट करूँ, मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, बट कभी कभार ऐसे देखते हैं ना, डोंट यू फील लाइक समटाइम्स, डोंट यू फील लाइक समटाइम्स लाइक आर जनरेशन इज लाइक ऑल द टाइम जस्ट ऑन मोबाइल एंड टेकिंग फोटो, ये तो मुझे भी लगता है और मैं खुद ही कर रहा हूँ ये, अगेन मैं नहीं बोल रहा डैमी को, मैं मान सकता हूँ डैमी नहीं रहती है मोबाइल पे कि फोटो खींच रही है सब, वो मस्त अपना चिल करती है, मेरा तो काम ही है एक तरह से ब्लॉग बनाना इसलिए करना पड़ रहा है, बट भाई सब देखो तुम कौन फोटो या ब्लॉग वीडियो नहीं बना रहा, हर कोई ये तो बात सही कही इसने किया ना, कैफे मोस्टली यू नो शांति के लिए आता है आदमी, कॉफ़ी पीने के लिए आता है, तो बस अड़ो रही है भाई और चल ही नहीं सकते तुम, यू कैन यू वॉक प्रॉपरली, एवरी वेयर पीपल आर क्लिकिंग फोटोज, तो यू हैव टू वेट और फिर या तो रूडली उनको क्रॉस करो। मैं बोलना नहीं चाहता, तुम बोलोगे हमेशा कंप्लेन करता हूँ मैं चाइनीज़ के बारे में, भाई अभी एक चाइनीज़ ग्रुप आया है यहाँ पे, चाइना से आए होंगे है ना घूमने के लोग, ग्रुप में ही घूमता है तुम्हें पता है चाइनीज़, वैसे इतना हल्ला हो रहा है, इस हल्ले में भी उनकी बातें सुन, इतनी तेज बोल रहा है भाई, बोलो इतनी तेज, क्रेजी। A few inches later, लगा दी भैया पार्किंग में, आज पेलने वाले हैं जैमी और मैं चाइनीज लोगों की बुराई करके चाइनीज ही पेलेंगे, दोगलापन एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओह दैट्स बाय बाय, that's like Indian dance. Tudu 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 da da da.